काबुल में अमेरिकी ड्रोन हमले में कई बच्चों के मारे जाने की खबर मिल रही है। AFP के मुताबिक अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के ऊपर कई रॉकेटों के उड़ान की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन रॉकेटों के उड़ने का लक्ष्य अभी स्पष्ट नहीं है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए अमेरिकी हमले में कई अफगानी नागरिक मारे गए हैं। अमेरिका ने दावा किया था कि उसने ISIS के आत्मघाती कार बॉम्बर पर हमला किया था जो काबुल एयरपोर्ट पर हमले की तैयारी कर रहा था। CNN ने स्थानीय पत्रकार और मारे गए लोगों के रिश्तेदारों के बीच के आधार पर अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अमेरिकी हमले में एक ही परिवार के 9 लोग मारे गए, जिनमें 6 बच्चे थे। इनमें से मारे गए सबसे कम उम्र की बच्ची 2 साल की थी। हमले में मारे गए एक शख्स के भाई ने ये जानकारी दी। अमेरिका ने कहा कि रविवार को काबुल में संदिग्ध ISIS के आतंकवादियों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। काबुल में अमेरिकी ड्रोन हमले में कई बच्चों के मारे जाने की खबर है। अफगान अधिकारी का कहना है कि IS पर अमेरिकी हमले में 3 बच्चे मारे गए हैं। वहीं एसोसिएटेड प्रेस ने एक अनाम अफगानी अधिकारी के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि हमले में 3 बच्चों की मौत हुई है। CNN की रिपोर्ट के बाद अमेरिका ने कहा है कि वे जाँच कर रहा है हमले में नागरिकों की मौत हुई है या नहीं। अगर ऐसा हुआ है तो ये बेहद दुखद होगा। बता दें कि अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन रविवार को भी अफगानिस्तान में हवाई हमले को अंजाम दिया था। अमेरिकी सेना ने काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के करीब विस्फोटकों से भरे एक वाहन में मौजूद आत्मघाती हमलावरों को रॉकेट से निशाना बनाया। अमेरिकी सेना ने कहा कि हमलावर एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला करने वाले थे, इसलिए आत्मरक्षा में हवाई हमला किया गया। इस हमले में एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत की खबर दी गई थी, लेकिन अधिकृत तौर पर अभी कोई संख्या नहीं।